अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से हमने एक चीज़ आपको समझाई थी, जिसमें हमने साइन कॉस टेंजेंट इनको क्वाड्रेंट्स में हमने आपको समझाया था कि भाई क्वाड्रेंट्स में आप इनको कैसे यूटिलाइज करेंगे। आज इससे रिलेटेड कुछ प्रूफ्स के क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे कोहार्ड बोर्ड मैट्रिक की बुक है, उसमें एक्सरसाइज 7.5 में काफ़ी प्रूफ्स के क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स को बड़ा मसला होता है कि भाई प्रूफ की टेक्निक क्या होती है। तो हमने क्वेश्चन उठाया है जो कि लग रहा बड़ा आसान है, होता मुश्किल है, लेकिन जब आप टेक्निक समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि प्रूफ दैट, यानी आपने साबित करना है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल, एंगल की डिनोशन है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन शॉर्ट Cos square theta minus 1। अब मैं इसको देखता हूँ, इसमें cos तो है लेकिन इसमें साइन भी एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है मुझे इस चीज को हटाना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में सारा कुछ कॉस में है ना, तो ये जितना भी सिस्टम है मैं इसे कॉस में लाना चाहूंगा। इसका मतलब है मुझे ये साइन स्क्वायर थीटा को हटाना है, इसकी जगह कुछ और ऐसा लाना है कि सारा सिस्टम कॉस में आ जाए। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो हमें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगानी है, कॉस की नहीं लगानी भाई, यहाँ पे कॉस पहले से है तो मुझे यहाँ से कॉस नहीं हटाना, मुझे ये साइन को हटाना है और साइन को कॉस में बदलना है, ठीक है? तो यहाँ से साइन को इधर छोड़ दें, कॉस को उधर बिठा दें, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी स्टार्टिंग टेक्निक होती है कि आप राइट हैंड साइड को देख के लेफ्ट हैंड साइड में आपने काम करना है। तो मैं इसके बाद क्या कर लूंगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा तो मैंने ऐसे ही लिखना है, माइनस फिर आपने ब्रैकेट लगा देनी है। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप ये लगा लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप दोस्तों आप इस सिस्टम को देखें तो ये सारा सिस्टम कॉस में चेंज हो गया, तो मतलब हम अपने रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं। अब हम जैसे इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस आपके पास आ जाता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1। अब अगर आप इसको और से देखें तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गया। तो दोस्तों ये इस एक्सरसाइज की टेक्निक यही है कि जब आप इसमें प्रूफ करेंगे, आप लेफ्ट में और आपने राइट लाना है, राइट को देख के ही आप अपना सारा काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये टेक्निक पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के और बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, हम उनको भी आपके लिए हल करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।